बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का लेक्चर 5 जून 2020 जमात नहम उर्दू रोज जुमातुल मुबारक सबक नंबर 5 नसू और सलीम की गुफ्तगू। मुसन्निफ का नाम डिप्टी नजीर अहमद। मुसन्निफ का थोड़ा सा तारुफ पढ़ लेते हैं। डिप्टी नजीर अहमद जिला बजनौर में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम मौलवी सादत अली था। इन्होंने इब्तदाई तालीम वालिद से और उसके बाद दिल्ली में हासिल की, जहां मौलवी अब्दुल खालिक के शागिर्द हुए। बाद में दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया। वहां से तालीम मुकम्मल करने के बाद इन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ एक स्कूल में उस्ताद की हैसियत से काम किया। और ये बहुत ही अच्छे नावल निगार थे और ये पहले नावल निगार थे। आपके नावल इस्तलाही अंदाज के हामिल हैं, क्योंकि इनसे उन्होंने मुसलमानों की इस्लाह का काम किया। मौलवी नज़ीर अहमद दहलवी का शुमार उर्दू के अरकान खमसा में होता है। आप उर्दू के पहले नावल निगार हैं। आपके नावलों में मरातुल उरूस, बिनातुल नाश, तौबतुल नसूख, फसाना मुब्तला और इब्नुल वक्त ज़्यादा अहम हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद जो हैं, ये हमारे नावल निगार हैं। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नावल लिखे हैं, तो आप लोगों ने इसके तारुफ जो है अच्छे तरीके से पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसके अंदर से MCQs भी याद करने हैं। और अब आते हैं चैप्टर की तरफ, नसू और सलीम की गुफ्तगू। ये सफ़ा नंबर आपने 28 और 29, ये दो सफ़ात की आपने जो है रीडिंग करनी है। और इसके अंदर से जो मुश्किल अल्फाज हैं वो मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, वो आप लोगों को मैं अभी पढ़ा देती हूँ। अल्फाज के मायने साथ साथ याद ज़रूर करने हैं, क्योंकि इनको याद किए बगैर हमारा चैप्टर मुकम्मल नहीं होगा और हम तशरीह नहीं कर पाएंगे। तो जितना भी कहा जाए चैप्टर की रीडिंग करने के लिए और साथ में अल्फाज के मायने याद करने के लिए, तो ये साथ साथ ज़रूर याद करें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अहम है। ठीक है, सफ़ा नंबर 28 और 29, इन दो को आप लोगों ने रीड करना है और उनके मुश्किल अल्फाज के मायने बोर्ड में लिखे हुए हैं। मुश्किल अल्फाज के मायने वबा, फैलने वाली बीमारी, यानी कि ऐसी बीमारी जो फैलती है एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तो इसको वबा कहा जाता है। आकबत, आखरत, दिल दहला देने वाले डरावने, तलाफी करना, नुकसान पूरा करना। कौल, वादा, अहद, बालाखाने, ऊपर की मंजर, छत, यानी कि ठीक है, माकूल, मुनासिब। गंजफा, ये खेल का नाम है। इसको आगे इसका थोड़ा सा तारुफ किया, ऐसा खेल जिसमें 3 खिलाड़ी और 96 गोल पत्ते होते हैं। ये बिल्कुल ताश जैसे होती है वैसे ही खेली जाती है, इसको गंजफा कहा जाता है खेल को। ये है शतरंज, ऐसा खेल जिसमें 64 खाने और 32 मोहरे होते हैं। ठीक है, ये आपके दो सफ़े के अंदर से जो मुश्किल अल्फाज थे उसके मायने मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। ये मायने आपने सारे याद करनी है और रीडिंग अच्छे तरीके से करनी है, ताकि हमें खुलासा बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आज का हमारा लेक्चर यही था, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।